हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2019 और यह हमारी 107वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में नीरव मोदी को ब्रिटेन में जेल हुई, उसका वकील कौन है? जिसका सही ऑप्शन है आनंद दुबे। हाल ही में नीरव मोदी को जेल हुई है ब्रिटेन में, उसका वकील है आनंद दुबे। आपको बता दें, नीरव मोदी भारत के पंजाब नेशनल बैंक से 14,357 करोड़ रुपए लेकर भागा है, इस कारण उसे ब्रिटेन में हाल ही में जेल हुई है। अब ये बात आई है आनंद दुबे की, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। आनंद दुबे विजय माल्या, जो एक दूसरा भगोड़ा है, उसका भी वकील है और ये नीरव मोदी का भी वकील है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आनंद दुबे नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों का वकील है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस कंपनी पर 11,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जिसका सही ऑप्शन है गूगल। हाल ही में यूरोपीय संघ ने गूगल पर 11,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, कंपटीशन में उचित व्यवहार ना करने पर यह जुर्माना यूरोपीय यूनियन ने लगाया है। अब बात आई है यूरोपीय यूनियन की, यानी यूरोपीय संघ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी, यानी 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। 28 कंट्रीज यूरोपीय संघ में है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, इसका मोटो है यूनाइटेड इन डायवर्सिटी। ये यूरोपीय संघ का मोटो है। एक बार फिर आपको बता दें, यूरोपीय संघ का मोटो है यूनाइटेड इन डायवर्सिटी। तो इतना आपको यूरोपीय संघ के बारे में याद रखना है। और हाल ही में इसी ने गूगल पर 11,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन है फिनलैंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। फिनलैंड दूसरी बार इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। आपको बता दें, 156 देशों में इसे शामिल किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस लिस्ट में भारत 7 स्थान पीछे होकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था। आपको याद रखना है, इसी पर ये सबसे खुशहाल देश की लिस्ट जारी की गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में। अब ये बात आई है फिनलैंड की, तो मैप में आपको फिनलैंड के बारे में बता दें, ये जगह है फिनलैंड को दर्शाती है। फिनलैंड एक यूरोपीय संघ का देश है। आपको बता दें, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और फिनलैंड की करेंसी है यूरो। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं सूली निमिस्टो। तो इतना आपको फिनलैंड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में कौन सा राज्य टेबल टेनिस संगठन का सर्वश्रेष्ठ संगठन बना है? जिसका सही ऑप्शन है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य टेबल टेनिस संगठन का सर्वश्रेष्ठ संगठन बना है। आपको बता दें, हाल ही में आई टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में मध्य प्रदेश राज्य का टेबल टेनिस संगठन देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन बना है। मध्य प्रदेश को यह अवार्ड 8वीं बार दिया गया है। राज्य सर्वश्रेष्ठ संगठन का यह अवार्ड मध्य प्रदेश को 8वीं बार दिया गया है। आपको बता दें, 1976, 77, 78, 79, 83, 1988, 2016 और अब 2019 में यह बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ संगठन का अवार्ड टेबल टेनिस में मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। चलिए बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मैप में आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है मध्य प्रदेश को दर्शाती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवम्बर 1956 में की गई थी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नैसकॉम किसके साथ मिलकर डिजिटल साक्षरता
को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है व्हाट्सएप। हाल ही में नैसकॉम व्हाट्सएप के साथ मिलकर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का काम करेगा। फेक न्यूज को रोकने अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ यानी नैसकॉम, नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ। तो व्हाट्सएप और नैसकॉम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देंगे और ये जो फेक न्यूज चलती है उनके बारे में रोक लगाएंगे। अब बात आई है व्हाट्सएप की, तो आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप की स्थापना 24 फरवरी 2009 यानी 2009 में की गई थी जेन कुम और ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। आपको बता दें 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19 अरब में खरीद लिया था। तो इतना आपको व्हाट्सएप के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने स्मार्ट कूड़ादान लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है SAIL। हाल ही में SAIL ने स्मार्ट कूड़ादान लॉन्च किया है। अब ये SAIL क्या है इसके बारे में आपको बता दें। SAIL का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। यह कूड़ादान स्टेनलेस स्टील से बना है। यह कूड़ादान भर जाने के बाद कंपनी को सिग्नल भेजता है जिसके कारण किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है। अब बात आई है SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो आपको इसके बारे में बता दें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की गई थी और इसके चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। SAIL का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और हाल ही में सेल ने यानी SAIL ने स्मार्ट कूड़ादान लॉन्च किया है। तो इतना आपको सेल के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने बर्फीले स्तूप पर विशेष स्टाम्प जारी किया है? तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय डाक। हाल ही में इंडियन पोस्ट ने बर्फीले स्तूप पर विशेष स्टाम्प जारी किया है। ये स्तूप एक किस्म के कृत्रिम ग्लेशियर से बने होते हैं। ये जल का संरक्षण करते हैं, बसंत ऋतु में पिघलकर जल की पूर्ति करते हैं क्योंकि बसंत ऋतु में किसानों को जल की आवश्यकता भी होती है जिस कारण ये बर्फीले स्तूप जल की पूर्ति करते हैं। तो ये बर्फीले स्तूप पर विशेष स्टाम्प भारतीय डाक ने जारी किया है। तो इतना आपको भारतीय डाक के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडिया इंडोनेशिया 2019 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कारपेट 2000 यहाँ पे कारपेट लिखना भूल गए। कारपेट 2019 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? जिसका सही ऑप्शन है 33वां संस्करण। 33वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत के पोर्ट विलियर में किया जा रहा है। यह एक गश्ती कार्यक्रम है। 236 किलोमीटर की समुद्री सीमा में पोत और एयरक्राफ्ट गश्त करेंगे। ये एक प्रकार का गश्ती कार्यक्रम है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जा रहा है। तो इतना आपको इस कारपेट के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में अवैध विदेशियों को रोकने के लिए बिल पारित किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में अवैध विदेशियों को रोकने के लिए एक बिल पारित किया गया है। यह बिल है द मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्ड बिल 2019 पारित किया गया है। इसमें जो भी मिजोरम राज्य में एंट्री करते थे उस पर रोक लगेगी और जो भी व्यापार होता था उस पर भी थोड़ी रोक लगेगी। तो आपको याद रखना है मिजोरम में एक हाल ही में बिल पारित किया गया है अवैध विदेशियों को रोकने के लिए। अब बात आई है मिजोरम की, तो मैप में आपको मिजोरम के बारे में बता दें। ये जगह है मिजोरम को दर्शाती है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी। गवर्नर है के राजशेखरन। मिजोरम की मुख्यमंत्री है जोरम थंगा और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के पहले इलेक्शन ट्रांसजेंडर एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है गौरी सावंत। हाल ही में भारत के पहले इलेक्शन में जो ट्रांसजेंडर हैं वो एम्बेसडर बने हैं। इनका नाम है गौरी सावंत। ये महाराष्ट्र में नियुक्त किए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें
एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, भारत में पहली बार ट्रांसजेंडरों ने 2014 में वोट दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हाल ही में ये चुनाव एम्बेसडर बने हैं गौरी सावंत। तो आपको चुनाव आयोग के बारे में बता दें, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और चुनाव आयोग मुख्यालय है दिल्ली में। तो इतना आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मार्सेलो ग्लेसर। हाल ही में मार्सेलो ग्लेसर को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। ये ब्राजील के भौतिक और खगोल शास्त्री है। अब ये टेम्पल्टन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो आपको इसके बारे में बता दें, टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1972 यानी 1972 में जॉन टेम्पल्टन ने की थी। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, भारत की मदर टेरेसा यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इतना आपको टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से नवाजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ये चारों। हाल ही में गौतम गंभीर, सुनील छेत्री, शरद कमल और बजरंग पूनिया, इन चारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने इन चारों को पद्मश्री से नवाजा है। तो आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, हमारे मध्य प्रदेश की जीके की क्लास अब कुछ ही दिन में रेगुलर क्लासेस बन जाएगी। तो आपको ये बहुत गौर से देखना है। तो कल तक की नमस्कार, हैव अ नाइस डे।